हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एब्सोल्यूट हेल्थ पर, और मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग रोज़ एक नया योगासन सीख रहे हैं, आज भी हम लोग कुछ ऐसा ही योगासन सीखने वाले हैं। लेकिन आज जो हम लोग योगासन सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए बहुत सही है जिनको किसी भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, या जिनको जननांग होते हैं ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं जिनसे प्रजनन तंत्र जो है वो आगे बढ़ता है, अगर उसका कुछ इश्यू है तो ये उन लोगों के लिए बहुत सही है। तो ये कैसे होता है मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके अलावा क्या होता है, ये पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी करता है, और जो अपनी जांघें और लेग्स वाला जो पोर्शन है उसको ये फ्लेक्सिबल भी करता है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं मैं बताने वाला हूँ, पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार कि ये जो वीडियो है उसको लास्ट तक देख लीजिएगा, और लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको लगे यार वाकई में यार जो बताया मैंने, जो बात कर रहा था वो बिल्कुल सही थी और आपके लिए अच्छा है ये, तो एक काम करिएगा यार, मेरा चैनल बहुत नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे निशान दबा के मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तभी बात करते हैं हम लोग क्या सीख रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग योगासन सीख रहे हैं, उस योगासन का नाम है गरुड़ासन। ये दोस्तों गरुड़ासन हम लोग सीख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं इसको सीख लेते हैं कि ये होता है कैसे है, उसके बाद क्या कि और भी बहुत सारी बातें हैं और फायदे हैं, वो सारी बातें हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले क्या करते हैं सीख लेते हैं। तो आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो गरुड़ासन है। इसके दो अलग अलग तरीके हैं, दो पार्ट में हम लोग इसको करते हैं। तो आपको दोनों में पहले करके दिखाता हूँ, सिखाता हूँ कि दोनों को करना कैसे, फिर एक पोजिशन हम लोग बनाएंगे जो लास्ट पोजिशन होगी। तो पहले तो क्या करना है, हाथ इतने हाथ और दोनों को अपना एक दूसरे को लपेटते हैं। तो लपेटना कैसे, देखिए ये जो हाथ है, तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो अपना जो कोहनी है उसको इस कोहनी के आगे हम लोग ऐसे लेके आ गए, ये देखिए क्रॉस कर लिया ऑलमोस्ट हम लोग ऐसे में। और उसके बाद देखिए ये जो हाथ है, पाम है, इसको ऐसे मिलाते हुए ये देखिए ऐसे लेके आ गए, ठीक है, ये लेके आ गए तो ही आप सही कर रहे हो। और ये अगर आप यहाँ से ऐसे आएंगे तो नहीं आएगा, देखिए ये नहीं आएगा, जब तक आप इसको इधर नहीं लाओगे तब तक नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है कि आप इसे क्रॉस किया उसके बाद आप पाम को ऐसे लेके आ गए। तो ये हो गया अपना हाथ का पोजीशन। उसके बाद पाँव का पोजीशन आपको दिखाता है कि पाँव को आपको कैसे करना है। तो देखिए पहले तो क्या करना है, थोड़ा सा अपने को बेंड करना है, जिस पाँव से करो थोड़ा बेंड करना है, और ये वाले को इसको इसके ऊपर जो अपना जो घुटना है उसके ऊपर हम लोगों ने ये किया, और उसके अलावा जो पाँव है उसको यहाँ टच करना है। देखिए मैं इसे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बेंड किया और ये यहाँ पर ऐसे टच करना है। ये अगर आप इसको बेंड नहीं करोगे, बेंड नहीं करोगे तो नहीं आएगा, आपको बेंड करना पड़ेगा। जब बेंड करेंगे तभी वो वहाँ पर टच हो पाएगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले पाँव बेंड करते हैं उसके बाद हाथ पे आते हैं, तभी वो प्रॉपर हो पाएगा। अब ब्रीथ यहाँ पर लास्ट फाइनल पोजिशन होगी, उसको ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, पहले हम लोग पाँव कर लेते हैं, पाँव किया ये, और उसके बाद हाथ, और ये फाइनल पोजिशन उस पर हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपन कर लेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप जब तक फ्लेक्सिबल नहीं है आप ट्राई करते रहिए इसको, आ जाएगा। अगर एक बार आ गया उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। ब्रीथ नॉर्मल रखना है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए ये ही आज का गरुड़ आसन। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोगों ने सीख लिया कि ये किस तरह से होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों साइड से करना है आपको। एक साइड से आपका इजीली हो जाता है, दूसरे से नहीं होता, कोई बात नहीं, बट उस चीज़ को ट्राई करते रहिए फिर वो हो जाएगा। और एक बार होने के बाद ना फिर वो बहुत ही अच्छा आसन है, ये खासतौर पर ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कितनी बार करना है, देखिए शुरुआत करिए तीन तीन बार दोनों साइड से, तीन बार आपको राइट लेग से करिए, तीन बार आपको लेफ्ट लेग से करिए, और उसके बाद जो है आप एक काम करिए, धीरे धीरे आप जब बढ़ जाते हैं तो एक ही बार में टाइम बढ़ा लीजिए ब्रीथ नॉर्मल के साथ में। तो अभी बात करते हैं इसके फ़ायदे। देखिए फ़ायदे तो ऐसे है कि मैंने बताया कि ये जो ना ये मतलब जननांग के लिए बहुत सही होता है, अगर कुछ इशू होता है जननांग के लिए कुछ इशू होती है उस चीज़ को सही करता है। उसके अलावा एकाग्रता बढ़ाता है, किसी का दिनों फोकस नहीं होता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है, उनके लिए बहुत सही है। उसके अलावा आपके हाथ और पाँव की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ये लेके आता है। उसके अलावा किसी का जो ना थाइस जो है, थाइस और लेग्स और जो हाथ की जो फ्लेक्सिबिलिटी ना वो भी इसको बढ़ा देता है। तो इतने से कुछ मेन मेन फायदे, अभी बात करते हैं किसको नहीं करना है। दोस्तों, कि सभी लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट किसी का अगर बहुत ज़्यादा इशू है अगर घुटने का, अगर आप इस तरह नहीं कर, पूरी बॉडी का वेट जो ना एक पर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा इसको अवॉइड करें। और एक किसी को अगर जो है ना खड़े रहने में दिक्कत होती है, चक्कर आते हैं या गिर जाने हैं, तो ऐसा है तो फिर आप इसको अवॉइड करिए, वरना बाकी सारे लोग इसको कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो था यहाँ तक ही था, अभी बात करते हैं कि देखिए आपने वीडियो यहाँ तक देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने यार यहाँ तक देखा, पूरा वीडियो देखा। अभी लास्ट बस 30 सेकंड और है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि यार आप अच्छा लगा तो अभी काम सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो घंटे का निशान दबा के मुझे यार सपोर्ट करिए, मेरा चैनल बिल्कुल बहुत नया है। तो एक काम ये भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, कमेंट में आप लिखिए कि कैसा लगा, अच्छा बुरा, कुछ आपका प्रॉब्लम सारे लिखिए, बताइए आप कहाँ से, मुझे लिखकर बताइए। तो इतना ही आज के लिए, फिर हम लोग कल मिलेंगे ऐसे ही कुछ एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।